बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है भाई, बहुत खतरनाक सीन है। रोड प्रेजेंट के बाहर अभी मतलब व्यू तो बहुत अच्छा मिल रहा होगा आसपास, जहाँ तक तो मुझे पता है अच्छा मिलना चाहिए भाई। बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है, समथिंग अराउंड क्या है कि तूफान वाला सीन हो रहा है अभी तो। भाई किसी को ओवरटेक करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, आगे एक मोड़ है तो आराम से। बारिश का मौसम भी हो रहा है, बारिश लगता है आने वाली है। यहाँ कुछ देर पहले आई भी थी थोड़ी बहुत, पर हम कहीं रुक गए थे क्योंकि हमने रेनकोट वगैरह नहीं पहन रखा है, तो कहीं गीले होके बारिश में बीमार ना हो जाए। गाड़ी से आगे निकल जाए या पीछे ही चलाएं, रोड का कुछ कहने से रोड बहुत खराब है भाई। इसमें क्या है कि कट्स लगे हुए हैं, आपको पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है नहीं, पर कुछ जगह पे कट लगे हुए हैं तो वो कट बहुत ही खतरनाक, इनसे बाइक फिसलने का खतरा रहता है यार। इससे आगे निकालना पड़ेगा। एजिटेट हो गया यार मैं, पीछे चला चला गया। पर भाई कुछ भी बोलो भाई, हवा बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा इनहेंस कर रही है हवा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, पर बाद में देखेंगे वो तो। खैर छोड़ो, ओ भाई गए, मौत बहुत खतरनाक हुआ थी भाई, जैसे बाइक ले उठेगी। काफ़ी आराम से चलना पड़ता है भाई हवा को देखते हुए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई, ये हवा गिरा दे कहीं ना कहीं। देर पापा की बड़ी उड़ान भराते हुए इतनी हवा, ओ जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त। आपको दिख रहा होगा या नहीं, पर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। वैसे पेड़ों की टहनियां हिल रही है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा ही, बाइक में तेल भी डलवाना है तो कहाँ से डलवाएं, आगे से डलवाते हैं, पीछे हाथ से निकलते हैं। सीन अबाउट, ओ भाई रेस्त्री का सामान कहाँ निकला अभी यहाँ से, पता है हवा की तेजी से गया। बट कुछ बोलो भाई, इतनी हवा में बाइक तेज बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ऊपर से ये जो रास्ते के पास पेड़ हैं ये गिर ना जाए कहीं, इनका बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ होता है। खंबे हो गए, पेड़ हो गए, सबको देख के चलना आना पड़ता है। थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, आज का मौसम पता नहीं क्या बोलेगा, बट जो भी है हमें तो व्लॉग तो शूट करना ही पड़ेगा आपके लिए। हर बार न्यू कंटेंट, अलग अलग वीडियो भाई। वॉच लगता है बंद हो गई, तो गाइस ये अभी सिंगल रोड है फिलहाल, तो हाईवे के पास में सिंगल रोड से जाना ही बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आती है, ट्रैक्टर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन ट्रैक्टर वालों का सामना करना बहुत ही भारी बात होती है भाई। अभी कुछ 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर वाले ने बाइक सवार को कुचल दिया, बहुत भयानक था भाई। तो इसलिए इनसे बच के
चलना चाहिए। वैसे आज इतना ट्रैफिक क्यों है? संडे है आज तो। बता भाई कभी ना कभी। ट्रैफिक को चीर के निकलने में ही मजा है भाई। बाइक का सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे मोटे ट्रैफिक से बाइक नहीं थकती है। आज मौसम के हिसाब से मैं सोच रहा था कि फोर व्हीलर लेके जाऊं, पर नहीं। फोर व्हीलर में क्या है कि मज़ा नहीं आता ना ऐसा जैसे राइड में आता है। बाइक का मज़ा अलग है भाई। कितने ही कारों में घूम लो, बाइक का मजा कुछ अलग ही है। वो कहते ना जिसको मंजिल पे जल्दी पहुंचना हो वो बाइक से निकल जाए। भाई कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। रिटायर कर देते हैं सर। अरे भाई फुल टॉस मजा भाई। जहाँ हमको आना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी फोन लगाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, फिर जाते हैं घूमने छपरी करने। अभी कौन बताना पड़ेगा।